देखिए, जहाँ तक आप उम्मीद की बात कर रहे हैं या फिर गुड्डा लोकसभा कंप्लीट परिवर्तन के मूड में है और ये हमारे जो महाप्रभु माननीय निशिकांत जी हैं इतने हतोत्साहित हो गए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि बुलडोजर चलवाएंगे। किसका औकात हो गया जो देवघर में बुलडोजर चलवा देगा? बुलडोजर चलेगा। आज लाखों के संख्या में अभिषेक झा खड़े हैं और बुलडोजर चलेगा। आपका अपना जो आपने अवैध संपत्ति जो हासिल किया है उस पर यहाँ के स्थानीय लोग बुलडोजर चलाएंगे। ये मैं खुले शिक्षा सभा चौक पर उन्हें मैं चुनौती दे रहा हूँ। आज उनको भाजपा के कार्यकर्ताओं का दर्द जाकर के समझ में आ रहा है। 15 साल में कितने कार्यकर्ताओं को आपने लाभान्वित किया या कितने कार्यकर्ताओं के लिए आप एक पैर पर खड़े रहे? भाजपा को टुकड़े टुकड़े गैंग में महाप्रभु हमारे निशिकांत जी ने बांट करके रख दिया यहाँ पे, और आज भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। असल भाजपाई तो हम लोग हैं। भाजपा को हम लोग ने, पूरे देवघर वासियों ने, गुड्डा लोकसभा वासियों ने बनाया, और आज के दिन में आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट लेके और सिर्फ हम लोग के बीच में विवाद पैदा करना चाहते हैं। अब गुड्डा लोकसभा की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। 15 दिन के अंदर में, आज 14वां दिन है, 14 दिन के अंदर में, संजोग से मेरा EVM में 14 नंबर पे यही है, 14 तारीख को मैंने नॉमिनेशन भी किया था। 14 दिन के अंदर में देवघर का एक बेटा खड़ा होता है और जितने सुरदा जैसे बड़े भाई हैं, बुधन मामा जैसे हैं, बाकी और जो भी हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और खास करके जितने नौजवान हैं, सब मिल के इनका बाजा बजा देते हैं। आप जाइए, आपका जो सैनिक फार्म में जो आपका संपत्ति है वहां जाइए, आराम कीजिए। गोड्डा लोकसभा की जनता जनार्दन, अब आपको गोड्डा लोकसभा की जनता ने 15 साल का मौका दिया। आपने अपना जितना व्यक्तिगत विकास करना था आपने अपना कर लिया। अब आपको इस दायित्व से गोड्डा लोकसभा की जनता मुक्त करती है। जय शिव।